हेलो गाइड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 12th के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मांग की अवधारणा। जो अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट के सेकेंड यूनिट का पहला टॉपिक है, जो अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से पर ईयरली 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन टॉपिक की बात करते हैं, मांग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। अब मांग क्या होती है, मांग कब होती है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि मांग किस प्रकार बढ़ेगी, किस प्रकार घटेगी, मांग का संबंध किससे होगा। अब देखो, मांग का अर्थ लेते हैं ना, साधारण तौर पे बात करें ना, व्यक्ति के द्वारा मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा, यानी क्या इसकी परिभाषा क्या होगी, एक निश्चित समय में मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा से, यानी एक निश्चित समय में मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा से। इसमें एक फैक्टर होगा, मांगी जाने वाली वस्तु एक निश्चित कीमत पे होगी। क्या होगी, निश्चित कीमत पर। कीमत बार बार परिवर्तन नहीं होगी, एक फिक्स रेट होगी, उस रेट पर वस्तु कितनी मांगी जाती है। और मांग का जन्म कैसे होगा, मांग की उत्पत्ति कैसे होगी। मांग से जाने से पहले व्यक्ति की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्या होती है, आवश्यकता। ये नीड कब बनेगी, नीड के लिए क्या जरूरी है। अब देखो, नीड के लिए तीन तत्व फैक्ट है, तीन तत्व। सबसे पहला तत्व क्या होगा, पर्याप्त इच्छा शक्ति। क्या होगी, पर्याप्त इच्छा शक्ति। अगर व्यक्ति की अगर पर्याप्त इच्छा शक्ति नहीं होगी तो आवश्यकता नहीं बनेगी। इच्छा शक्ति होने के बाद दूसरा टॉपिक आएगा अपना, पर्याप्त साधन। क्या, पर्याप्त साधन। साधन का मतलब यहां किससे है, धन से, मुद्रा से। तीसरा बिंदु आएगा, त्यागने की पर्वत, यानी खर्च करने की क्षमता, खर्च करने की क्षमता। अगर व्यक्ति के पास दो तत्व हैं, मान लो किसी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा शक्ति उसके पास, दूसरा पर्याप्त साधन, यानी कि उसके जेब में, उसके पॉकेट में साधन धन है, लेकिन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं है, कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कंजूस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो यह उस वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। किसी वस्तु की आवश्यकता कब होगी, जब तीनों तत्व एक साथ काम करेंगे तब क्या कहलाएगी, आवश्यकता होगी। इस आवश्यकता होने के बाद व्यक्ति क्या करेगा, मांग करेगा, डिमांड करेगा। और डिमांड के लिए क्या जरूरी है, चौथा तत्व क्या लेंगे, व्यक्ति की मनोदशा, व्यक्ति की मनोदशा, मन की स्थिति। व्यक्ति की मन की स्थिति बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए, परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए, उसकी मनोस्थिति क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। वो ये नहीं है, जब बाजार में गया है व्यक्ति, उसके पास पर्याप्त इच्छा भी है, पर्याप्त साधन भी है, त्यागने की प्रवृत्ति भी रखता है, फिर व्यक्ति की मनोदशा की बात आती है। मनोदशा से बाहर निकलते ही पहले तो ये डिसाइड करता है कि पानी पूरी खाऊंगा, फिर कहेगा मैं भेलपूरी खाऊंगा, फिर कहता है मैं तो वो समोसा खाऊंगा। इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, यानी कि व्यक्ति क्या होनी चाहिए, मनोस्थिति, किसी वस्तु प्राप्त करने की मनोस्थिति क्या होनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए, अलग अलग किसी प्रकार की परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की मनोदशा परिवर्तनशील होती है तो वह वस्तु
प्राप्त करने उसकी आवश्यकता नहीं होती है, वह आवश्यकता नहीं बनती है। आवश्यकता बनने के लिए पर्याप्त साधन, इच्छा शक्ति, त्यागने की प्रवृत्ति, तीनों के अलावा अगर मांग की बात करेंगे, मांग की उत्पत्ति अब क्या होगी, मांग की उत्पत्ति क्या होगी, व्यक्ति की मनोदशा स्थिर होगी, किसी वस्तु प्राप्त करने की क्या होगी, उसकी मनोस्थिति स्थिर होनी चाहिए। दूसरी पांचवा पॉइंट रूसी या फैशन, व्यक्ति का किसी वस्तु के प्रति रुचि एक समान होनी चाहिए, फैशन समान होनी चाहिए। क्या आप फैशन के दौर में व्यक्ति की फैशन, रुचि, इंटरेस्ट बार बार बदलता रहता है, प्रति सेकंड बदलता रहता है, अगर इस प्रकार का होगा तो वह मांग नहीं कहलाएगी, वह मांग नहीं कहलाएगी। मांग के लिए पांच तत्व जरूरी है, मांग के लिए पांच तत्व पर्याप्त इच्छा होनी चाहिए, पर्याप्त साधन, त्यागने की प्रवृत्ति, व्यक्ति की मनोस्थिति और रुचि और फैशन। अगर इस प्रकार से पांचों तत्व मिलेंगे तो वस्तु क्या होगी, मांग। और मांग का संबंध सीधा उत्पादन से होगा, प्रोडक्शन से होगा, किससे होगा, प्रोडक्शन से। जब वस्तु की मांग बढ़ेगी तब इसका क्या होगा, किसी वस्तु क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। अगर कोई किसी वस्तु की मांग नहीं करेगा तो उत्पादन नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि मांग पूरे अर्थतंत्र को चलाती है, पूरा अर्थतंत्र मांग पर निर्भर है। मांग कब होगी, जब व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ेगी, व्यक्ति की आवश्यकता बढ़ेगी तब मांग होगी, मांग होगी तब क्या होगा, उत्पादन होगा। और अपना नेक्स्ट पॉइंट है मांग के तत्व। मांग का अर्थ हो गया और मांग का तत्व हो गया, आपके मांग के तत्व नोट डाउन कर लो। अगर मांग के तत्व की बात करेंगे, मांग के तत्व किन्हीं किताबों में तीन बताए हैं, किन्हीं किताबों में पांच बताए, हम पांच तत्वों की बात करेंगे। कितने तत्व हैं, पांच तत्व, आवश्यकता के तीन तत्व और दो तत्व और। अब आवश्यकता देखो, मांग के तत्व पहला तत्व क्या होगा, व्यक्ति की पर्याप्त इच्छा शक्ति। दूसरा तत्व होगा पर्याप्त साधन। धन से लेते हैं। तीसरा होगा त्यागने या खर्च करने की क्षमता। व्यक्ति की मनोदशा, फैशन, यानी कि पांच तत्व मिलकर किसी वस्तु की क्या होती है, मांग बनती है। अब देखो, अब लेते हैं मांग के प्रकार। मांग के प्रकार, मांग कितने प्रकार की होगी, मांग दो प्रकार की होगी, मांग कितने प्रकार की, दो प्रकार की होगी। उपभोक्ता मांग और बाजार मांग। अब प्रश्न ये, उपभोक्ता मांग क्या है और बाजार मांग क्या है, उपभोक्ता मांग और बाजार मांग क्या है। इन दो बिंदु पर, इन दो टॉपिक पर आपको करीबन करीबन तीन से चार प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उपभोक्ता की मांग की बात करते हैं, कंज्यूमर डिमांड, उपभोक्ता की मांग,
क्या होगा? किसी एक नियत समय में किसी एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा से है। किसी निश्चित समय यानी एक निश्चित समय, समय का मीनिंग या आप ले सकते हैं साप्ताहिक, मासिक या पाचिक, यानी टाइम ऑफ पीरियड, एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड में किसी एक कंज्यूमर के द्वारा विभिन्न प्रकार की अलग अलग वस्तुएं मांगी जाती हैं। उस वस्तुओं की मात्रा से हैं कि एक उपभोक्ता एक सप्ताह में कितनी प्रकार किस प्रकार की वस्तुओं की मांग की है और कितनी मात्रा में। तो क्या होगा, एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा, एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा वो क्या कहलाएगी, वो उपभोक्ता मांग कहलाएगी। बाजार मांग, बाजार मांग क्या होगा, किसी एक निश्चित समय में समस्त उपभोक्ताओं भुक्तों द्वारा मांगी जाने वाली समस्त वस्तुओं की मात्रा से है। यानी एक मार्केट है, एक मार्केट के अंदर टाइम ऑफ स्प्रेड है, एक सप्ताह की अवधि लेते हैं अपन, उसमें समस्त प्रकार के कंज्यूमर, समस्त प्रकार के कंज्यूमर जितने सारे कस्टमर्स हैं उनको लेते हैं, उनके द्वारा जो वस्तु की मांग की जाती है उस मात्रा को क्या कहेंगे, बाजार मांग। मांग कितने प्रकार की हो गई, उपभोक्ता मांग और बाजार मांग। उपभोक्ता मांग किसे कहेंगे, एक निश्चित समय या निश्चित समय में किसी एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से है। और बाजार मांग की बात करेंगे तो एक निश्चित समय में समस्त उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से है। अब बात करते हैं मांग तालिका की। मांग तालिका को मांग अनुसूची भी कहते हैं, डिमांड शेड्यूल, डिमांड टेबल क्या होगा ये भी। कितनी मांग अनुसूची कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की होगी। कितनी प्रकार होगी, दो प्रकार की। पहली अपनी होगी उपभोक्ता मांग तालिका, मांग तालिका। उपभोक्ता मांग तालिका क्या है, एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु वस्तुओं की मात्रा को
सारणी के रूप में प्रदर्शित करना। अब देखो मांग तालिका, मांग के प्रकार पढ़े थे बार अभी हमने, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, उपभोक्ता मांग। क्या पढ़ा था? उपभोक्ता मांग। उपभोक्ता मांग में क्या बोला था कि एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाले वस्तुओं की मात्रा से है। तो अब इसको क्या करना है, फिर इसको क्या कर तालिका अनुसूची, ऐसे हम उपभोक्ता मांग पढ़ ले, उपभोक्ता मांग किसे कहते पढ़ ले, उपभोक्ता मांग कितनी है, किस प्रकार की किस वस्तु की कितनी मांग है, ये पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, मांग तालिका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मांग तालिका। तो एग्जाम्पल तौर पर लिखिए मांग तालिका। वस्तु का, वस्तु के प्रकार और मांग, वस्तु का प्रकार और मांग। अब देखो एक प्रकार की वस्तु है बी सी, एक कस्टमर की बात करते हैं, ये किसी 20 क्वांटिटी मांग रहा है, बी 30 है, सी 40 है, यानी कि एक सप्ताह के अंदर एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने मात्रा कितनी हो गई, 90 प्रकार की वस्तुओं की मांग मार रहा है। ये ए क्या है, वस्तु के प्रकार है, एक टाइप की वस्तु कितनी मांग रहा है, 20, और बी प्रकार की मांग रहा है, 30 मांग रहा है, और सी प्रकार की 40 मांग रहा है, ठीक है। अब टोटल कितने हो गए, 90, यानी कि एक उपभोक्ता एक सप्ताह के अंदर या किसी समय में कितनी प्रकार की कितनी वस्तुएं मांग रहा है, 90 मांग रहा है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे बाजार मांग तालिका। हम क्या पढ़ेंगे अब, बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका, एक निश्चित समय में समस्त उपभोक्ता उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाने वाली समस्त वस्तुओं की मात्रा को सारणी के रूप में प्रदर्शित करना। बाजार मांग तालिका, उपभोक्ता मांग तालिका में क्या पढ़ा तुमने, किसी एक उपभोक्ता, कौन सा, एक कस्टमर है, एक कस्टमर के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को तालिका के रूप में प्रदर्शित किया। और बाजार मांग तालिका की बात करेंगे तो एक निश्चित समय में समस्त उपभोक्ता, यानी कि एक बाजार के अंदर जितने सारे कस्टमर्स आते हैं, उन कस्टमर के द्वारा जितनी प्रकार की वस्तुओं की मांग, वस्तुओं की मात्रा को मांगी जाती है, इस समस्त प्रकार की वस्तुओं की मात्रा को एक सारणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, बाजार मांग तालिका। इससे क्या होगा, बाजार मांग तालिका क्या प्रॉफिट होगा, बाजार मांग तालिका का प्रॉफिट ये होगा कि एक सप्ताह के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर किस प्रकार की वस्तुओं की मांग अधिक है, किस प्रकार की वस्तुओं की मांग अधिक है, उस भविष्य में उस वस्तुओं की मांग किस प्रकार की हो सकती है, कितनी हो सकती है, उसके अनुसार एक विक्रेता या उत्पादक उस वस्तु को क्या करेगा, उत्पादन करेगा। बाजार मांग तालिका किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, वस्तु के प्रकार, ए क्या है, एक उपभोक्ता, ए एक अपना उपभोक्ता, बी यहां अपन लेते हैं। अब जैसे गर्मी का मौसम है, आम, आम की बात करते हैं, ठीक है। अब
आम के अलग अलग टाइप आते टाइप्स होते हैं, ए बी सी डी, तीन चार प्रकार के आम के प्रकार हैं। एक सप्ताह के अंदर बात करते हैं। एक उपभोक्ता 20 यूनिट मांग रहा है, ये 10 मांग रहा है, ये 15 मांग रहा है, ये 25 मांग रहा है, ये 5 मांग रहा है, ये भी 5 मांग रहा है, ये 7 है, ये 10 है। अब अपने को देखना, एक सप्ताह की बात की अपने, किस प्रकार के आम की मात्रा सबसे अधिक है। तो अपन योग करते हैं यहाँ, तो कितने हो गए, 30, 40, 10 और 17। अब देखो सबसे यदि बी टाइप के आम की मात्रा क्या है, अधिक है, तो क्या करेगा विक्रेता, सबसे अधिक भंडारण किसका करेगा, बी टाइप का करेगा। क्यों, क्योंकि एक बाजार के अंदर इस समय केवल बी टाइप के मांग की मात्रा क्या है, अधिक है। तो इस प्रकार सारणीबद्ध तरीके से करने से क्या होगा कि हम ये जानकारी होगी हमें कि हमें किस प्रकार के आम का भंडारण करना है, किस प्रकार के आम की बाजार में मांग है। तो इस प्रकार हम बाजार मांग तालिका के द्वारा हम ये जानकारी हमें मिलती है कि किस प्रकार की वस्तुओं की मांग अधिक है, उसे एक सूचीबद्ध तरीके सारणी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इसे हम बोलेंगे बाजार मांग तालिका। अब अपना नेक्स्ट बिंदु है मांग वक्र। मांग वक्र, और देखो मांग वक्र क्या है, और देखो यहां से बिंदु 3 से लेकर बिंदु 5 तक सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मांग के प्रकार हो गए, मांग की प्रकार मांग तालिका बनाएंगे और मांग वक्र बनाएंगे। हमें तीनों से पॉइंट 3 से लेकर पॉइंट 5 तक दोनों सभी बिंदुओं को अच्छी तरह समझना है। मांग वक्र होगा तो मांग वक्र मांग तालिका की सहायता से बनता है। मांग वक्र किसकी सहायता से बनेगा, मांग तालिका से। मांग वक्र क्या होता है, मांग तालिका की सहायता से बनाया जाने वाला वक्र। यानी मांग वक्र भी कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए। कौन कौन से, उपभोक्ता मांग वक्र और दूसरा हो गया बाजार मांग वक्र। अब देखो उपभोक्ता मांग वक्र, इससे पहले हमने पढ़ा था उपभोक्ता मांग तालिका पढ़ा था, उपभोक्ता मांग तालिका, उपभोक्ता मांग तालिका पढ़ा था। जो तालिका बनाई ना, उस तालिका के सहायता से हम क्या बनाएंगे, एक वक्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वक्र बनाएंगे। यहां पे अपना ओ वाई पे क्या रहेगा, इसका प्राइस रहेगा, और यहां पे क्या रहेगी, क्वांटिटी। एक उपभोक्ता की है, क्या है, उपभोक्ता मांग वक्र, उपभोक्ता मांग वक्र। इसकी परिभाषा क्या होगी, एक निश्चित समय में किसी एक उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को वक्र के रूप में प्रदर्शित करना। ये मांग वक्र जो ग्राफ होते ना, ग्राफ किन के लिए उपयोगी है। हम कहीं भी जाए, आप रेलवे स्टेशन की तरफ जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, हवाई अड्डे पर जाओ, कहीं भी जाओ, आपको सबसे अधिक ग्राफिटिकल दिखते हैं।
ये ग्राफ क्यों होते हैं, ग्राफ रखने का रीजन क्या है? ग्राफ देखो तालिका क्या होगी, तो तालिका उन्हीं लोगों को समझ में आती है जो शिक्षित हैं, जो नॉलेजेबल हैं, उन्हीं के द्वारा इस तालिका का अध्ययन किया जा सकता है। ग्राफ वक्र कम शिक्षित वर्ग के लोग, निरक्षर अशिक्षित ऐसे लोग भी इस ग्राफ को देखकर एक प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्राफ किससे संबंधित है और ग्राफ का मीनिंग क्या है। तो इस कारण इकोनॉमिकल में अर्थशास्त्र के अंदर सबसे अधिक हम ग्राफ का यूज करते हैं कि ग्राफ के माध्यम से हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। अब दूसरा बिंदु आता है अपना बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र इसमें क्या होगा, एक निश्चित समय में समस्त उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा को वक्र के रूप में प्रदर्शित करना। अब देखो इसका वक्र किस प्रकार, ए कस्टमर है और ये बी कस्टमर है। अब देखो इसका वक्र ही हो गया, जो अपने उपभोक्ता मांग वक्र में बनाया उसी प्रकार का वक्र हो गया, ओ एक्स और वाई, ओ एक्स और वाई। हम ये क्या हो गया, ए कस्टमर का होगा, क्या हो गया, ए कस्टमर का। अब दोनों के योग से जो वक्र बनाया जाएगा, प्राइस एंड क्वांटिटी, ये अपना क्या कहलाएगा, बाजार मांग वक्र। क्या कहलाएगा, बाजार मांग वक्र।